मस्खरा में वरुण धवन को क्यों लिया गया है? वरुण धवन ने सारा का क्या खास निकनेम रखा है? माय नेम इज खान से वरुण धवन का क्या रिश्ता है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। वरुण धवन अपनी लगातार दो फ्लॉप फिल्मों से काफी परेशान है और माना जा रहा है कि उन्होंने अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए वापस कॉमेडी का सहारा लिया है। उनकी अगली फिल्म का नाम है, या कहें टाइटल है, मस्खरा। ड्रीम गर्ल डायरेक्टर राज शांडिल ने वरुण को अपनी अगली कॉमेडी फिल्म मस्खरा के लिए अप्रोच किया है और वरुण को ये स्क्रिप्ट बेहद पसंद भी आ चुकी है। सब कुछ फाइनल हो चुका है और फिलहाल केवल फिल्म की आधिकारिक घोषणा बाकी है। फिल्म में वरुण धवन एक स्टैंड अप कॉमेडियन की भूमिका में दिखाई देंगे। गौरतलब है कि मस्खरा से पहले वरुण धवन की दो कॉमेडी फिल्में लाइन में हैं। डेविड धवन की कुली नंबर वन जो मई में रिलीज हो रही है और शशांक खेतान की मिस्टर लेले जो जनवरी 2021 में रिलीज होगी। वैसे तो सलमान खान का फैन आधा बॉलीवुड है, लेकिन वरुण धवन ने हमेशा कहा है कि वो पूरे सलमान खान फैन हैं और सलमान को ही कॉपी करने में उन्होंने अपना आधा जीवन बिता दिया। वरुण और सलमान दोनों की ही फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, खासकर की फीमेल फैन फॉलोइंग, जहां सलमान को आज तक शादी के प्रपोजल आते हैं तो वरुण भी फैंस में सुपरहिट हैं। करण जौहर के साथ माय नेम इज खान 2010 में इस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं वरुण धवन। और वहीं इस फिल्म की बात करें तो वरुण ने सारा का दिलचस्प नाम भी रखा है, उन्हें वो सारा देवी कहकर बुलाते हैं। वैसे तो दोस्तों, वरुण धवन को लोग काफी पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी। आप वरुण धवन की इस आने वाली फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है? क्या वो दर्शकों को फिर से हंसा पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।